भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए। ऐसे ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव ट्राई कर रहे हैं जिससे कि आप लोग सब बस फिजिक्स से जुड़े रहें। तो अब तक की कहानी में हमने फील्ड पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितना होता है। अब कूलम्स लॉ के साथ पंगा क्या है? कूलम्स लॉ खाली पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। अगर आपको एक्सटेंडेड सिस्टम के लिए चाहिए, जैसे रिंग का हमने किया था, बड़े बड़े इंटीग्रेशन अपने को करने पड़ रहे थे। अब आज के दिन हम कुछ ऐसे टूल सीखेंगे, कुछ मैथमेटिकल टूल, जिससे हम बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। पर उससे पहले अपने को थोड़ी सी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और कुछ नई फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में मैं आज बात करूंगा, वो फिजिकल क्वांटिटी एरिया वेक्टर, एरिया आपने स्केलर पढ़ा होगा, अब हम एरिया वेक्टर के बारे में बताएंगे। और दूसरा, हम आज के दिन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी हैं जो एंड में मैंने छोड़े हुए हैं। एंड तक वीडियो को देखना और होमवर्क के क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना। ओके, चलो बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। आज के दिन एरिया वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। एरिया वेक्टर, आप लोगों ने एरिया पढ़ा होगा, लेंथ गुना विड्थ रेक्टेंगल का एरिया। ये अगर एक रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ा होगा एल इंटू बी। सर्कल का एरिया पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कल है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया के बारे में आप जानते हैं। अब ये एरिया वेक्टर क्या बोला है? अगर आप एरिया में डायरेक्शन भी जोड़ दो, एरिया को डायरेक्शन दे दो, तो उस क्वांटिटी को हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी एरिया वेक्टर कहते हैं। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, इट इज ए वेक्टर विद वैल्यू इक्वल टू एरिया एंड डायरेक्शन। अब एरिया को डायरेक्शन कैसे देंगे? ये मैंने सामने एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इस रेक्टेंगल को आप एरिया को एल इंटू बी को डायरेक्शन कैसे दोगे? तो इसकी डायरेक्शन मैं ऊपर लेफ्ट राइट ये सब ना रख के मैं इसकी डायरेक्शन इस पूरे एरिया के परपेंडिकुलर रखता हूँ। और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर मैंने ये एरिया लिया है तो इस एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो जाएगा वो इस डायरेक्शन में। इसका मतलब जहाँ जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इस बोर्ड के परपेंडिकुलर। सो डायरेक्शन ली जाती है परपेंडिकुलर टू एरिया। इसके बारे में मैं बात करूँगा और भी बहुत सारी। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का और डायरेक्शन। हियर एन कैप इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि एरिया के परपेंडिकुलर लिया जाता है। जैसे कि जैसे मैंने ये एक एरिया बनाया, तो एरिया वेक्टर जो लिया जाएगा इस एरिया के परपेंडिकुलर लिया जाएगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब डिफरेंट सिचुएशंस में एरिया वेक्टर देखते हैं। मैं एक 3D पिक्चर में आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप अपने सामने एक क्यूब देख सकते होंगे। इस क्यूब में ये वाली एक्सिस जो बाहर निकल के आ रही है वो जेड एक्सिस है, ये वाली एक्सिस एक्स है, ये वाली एक्सिस वाई है और ये जेड एक्सिस है। तो इस क्यूब में अलग अलग एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ से जाएगा? मान लो ये लेंथ है ए, ये भी है ए, तो साइड है ए, तो मैं फेस देख लेता हूँ। ये जो ऊपर वाला फेस है इसे कह दिया वन, जो ये वाला फेस है इसे कह दिया टू, ये जो नीचे वाला फेस है इसे कह दिया थ्री, ये जो सामने वाला है इसे कह दिया फोर, इधर वाले को कह दिया फाइव, और जो इसके जस्ट पीछे गया वो गया सिक्स। इस तरीके से हमने नंबरिंग कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया वेक्टर बताओ फेस वन का, वन ये वाला फेस है, ये वाला फेस का एरिया वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी ए स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी इस एरिया के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये डायरेक्शन,
और ये डायरेक्शन किस एक्सिस को दिखाता है? पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव वाई पे आप यूनिट वेक्टर लगाते हैं जे। तो एरिया वेक्टर फेस वन का आ गया ये। अब एरिया वेक्टर लिखो टू का, जो टू फेस है, ये वाला फेस है टू। तो टू है ऐसे, टू का जो वैल्यू आ जाएगा एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर फॉर टू दैट विल बी वैल्यू, वैल्यू आ गया ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन जाएगी इस तरफ परपेंडिकुलर, और इसे आप लिख दोगे आई कैप। अब मुझे ये भी कह सकते थे कि वन में मैंने डायरेक्शन नीचे को नहीं ली, बाहर को ही क्यों ली, ऊपर को लेके मैं नीचे भी ले सकता था। तो एक कन्वेंशन है एरिया वेक्टर में, फॉर एरिया वेक्टर, अगर आपके पास में क्लोज सरफेस है, फॉर क्लोज सरफेस आपको आउटवर्ड नॉर्मल लेना होता है, जो बाहर वाला जो बाहर की तरफ जाएगा, ये वाला जो जाता है ये सरफेस के अंदर की तरफ जाता है। तो मैंने क्या किया, सरफेस के बाहर की तरफ वाला लिया, ये वाला ना लेके जो इस सरफेस से बाहर की तरफ जा रहा है मैं वो ले रहा हूँ। अब एरिया वेक्टर बताओ थ्री का, एरिया वेक्टर फॉर थ्री, तो तीन ये हो गया एरिया वेक्टर, वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, और डायरेक्शन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जाएगा नीचे की तरफ, नीचे का मतलब जे कैप। तो सिमिलरली आप फोर जो कि फ्रंट वाला है, ये वाला फोर है, फाइव और सिक्स, इन तीनों का एरिया वेक्टर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इनका एरिया वेक्टर क्या लिखा जाएगा। तो ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। और अगर हमारे पास में एक स्फीयर है, ये आप 3D में एक स्फीयर सोचो, यहाँ कहीं इसका सेंटर है और ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर में आप एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? तो इस स्फीयर में एरिया वेक्टर लेने के लिए अगर आप देखोगे पूरे के पूरे एरिया को तो एक डायरेक्शन दी नहीं जा सकती, तो हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के ऊपर छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट, और उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर हम देखेंगे। मान लो ये छोटा सा एलिमेंट डी ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर जाएगा वो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर, इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। अगर आप यहाँ एलिमेंट लोगे तो यहां एलिमेंट ऐसे जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल, यहां लोगे तो ऐसे जाएगा, यहां लोगे अगर छोटा सा एलिमेंट तो ऐसे जाएगा, और अगर यहां लोगे तो बाहर की तरफ आएगा इस स्फीयर के ऊपर। तो ऐसे हम इररेगुलर शेप्स के लिए भी एरिया वेक्टर ले सकते हैं। एरिया वेक्टर के ऊपर आप, मैं अभी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, हमने एक आर्टिकल भी लिखा था, मैं था, टेक केवी के टीचर्स थे और प्रोफेसर एच सी वर्मा थे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक फॉर एरिया वेक्टर। अगर आपको डिटेल में एरिया वेक्टर को जानना है तो आप उस लिंक पे हमारे पेपर को पढ़ सकते हैं। अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। एरिया वेक्टर को समझने के बाद अब हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी फील्ड का फ्लक्स, किसी भी फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है ई डॉट ए एरिया वेक्टर के साथ, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, फाई ई। आपने पढ़ा होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर, तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होता है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स ई डॉट ए के बराबर होता है। इसे अगर आप लिखोगे डॉट प्रोडक्ट को तो ई का वैल्यू, ए का वैल्यू,
इंटू कोस थीटा, और जहाँ थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, जो कि डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ। ये तो हुआ इसका मैथमेटिक्स, ये तो कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया जाता है। कुछ लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं कैसे, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ई, और यहाँ कहीं एक एरिया रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये समझाता है कि किसी एक एरिया से कितना फील्ड फ्लो हो रहा है, कितना फील्ड पास हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। तो फिजिकल अगर आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन में फ्लक्स को हम बताते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, कि किसी भी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस जाएंगी उतना ज़्यादा उस एरिया को पार करने वाला, उस एरिया को क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोलते हैं। फ्लक्स मीन्स फ्लो। तो ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोग इसे इस तरीके से ही फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, पर इस जो डेफिनेशन है इसमें प्रॉब्लम ये है कि कितनी फील्ड लाइंस किस एरिया से बनाई जाएंगी, ये बनाने वाले के ऊपर है। बनाने वाले कितनी भी फील्ड लाइंस बना सकता है। तो आप इससे कंपेयर तो कर सकते हो कि जैसे ये एक एरिया है, इससे दो फील्ड लाइंस जा रही हैं। सेम एरिया से अगर चार फील्ड लाइंस जाएं तो आप कहोगे यहाँ फ्लक्स ज़्यादा है, यहाँ फ्लक्स कम है, पर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए अपने को मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे जाना होता है। अब यूनिट क्या होगी फ्लक्स की, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब और ए की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये फ्लक्स की यूनिट होगी। आप लोग मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब ये तो हो गया फ्लक्स किसी एक एरिया के लिए, जैसे कि हमारे पास में यहाँ एक एरिया है और यहाँ कहीं फील्ड है ई, सब जगह ई फील्ड है, तो आप फ्लक्स निकाल दोगे ई डॉट ए, ई ए कोस थीटा से। पर अगर बहुत छोटे एरिया के लिए आप फ्लक्स लोगे तो तब आप फ्लक्स कैसे लोगे, फ्लक्स इन डिफरेंशियल फॉर्म छोटे से एलिमेंट के ऊपर। तो उस टाइम पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, उस टाइम पे हम कहेंगे डी फाई ई, फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे से एरिया से जाने वाला तो डी फाई ई, इसे लिख देंगे ई डॉट छोटा सा एरिया डी ए। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, तो फ्लक्स कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है, अब वो देखते हैं। आपके सामने एक रैंडम शेप बनी हुई है, इस रैंडम शेप को 3D में आप सोचें और आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे अलग अलग जगह फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। जैसे मुझे फ्लक्स निकालना है यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एरिया वेक्टर जाएगा बाहर की तरफ, क्लोज सरफेस है, आउटवर्ड नॉर्मल हम एरिया वेक्टर लेते हैं एन कैप, तो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ए ई इंटू, अगर ये एरिया बहुत छोटा सा है तो ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा एरिया वेक्टर भी इस तरफ और फील्ड भी आपने इसी तरफ माना है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया ज़ीरो, तो फ्लक्स आ जाएगा ई डी ए। अब यहाँ फ्लक्स निकालते हैं इस छोटे से एरिया में, यहाँ डी ए मानो, तो यहाँ फ्लक्स डी फाई ई डी ए कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने माना है इस डायरेक्शन में,
यहाँ एरिया वेक्टर अगर लिखोगे तो एरिया वेक्टर लिखोगे नीचे की तरफ और दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा कितना 90, और कोस 90 कितना हो जाता है, कोस 90 हो जाता है जीरो। तो यहाँ फ्लक्स हो जाएगा जीरो, और यहाँ इस वाले एरिया के लिए, इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर गया इस तरफ, फील्ड आ रहा है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। तो फ्लक्स ई डी ए कोस 180 एंड कोस 180 इज माइनस वन, तो फ्लक्स हो गया माइनस ई डी ए। तो अब फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है ई ए कोस थीटा, इफ थीटा इज लेस देन 90 तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, इफ थीटा इज जीरो फ्लक्स होगा जीरो, और अगर एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो उस टाइम पे फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव। और मैं इस चीज़ को कैसे याद रखता हूँ, मैं इस चीज़ को ऐसे याद रखता हूँ कि अगर फील्ड बाहर निकल रहा होगा एक सरफेस से, एक बंद सरफेस से, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर एंटर कर रहा होगा तो फ्लक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एरिया और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मैं इसे इस तरीके से याद रखता हूँ, ओके। अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं फ्लक्स के ऊपर, वो करते हैं। और क्वेश्चन रहने वाला है हमारा ये, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिस मच 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की तरफ है। इफ दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, जिसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। वाई जेड प्लेन ये, तो इसके पैरेलल को ये एक यहाँ एक स्क्वायर रखा हुआ है जिसकी साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इससे जाने वाला अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो कैसे करेंगे इसे सोल्व, दूसरा पार्ट भी पढ़ लेते हैं फिर दोनों का एक साथ मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, जो नॉर्मल है प्लेन का वो अगर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए तब कितना फ्लक्स जाएगा इससे, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू समथिंग, जो भी वैल्यू दिया है, और आई कैप डायरेक्शन में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एक प्लेन रखा हुआ है वाई जेड के पैरेलल, जैसे मैंने ये प्लेन रखा हुआ है, ये वाला प्लेन जो कि वाई जेड फेस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसके पैरेलल है। तो इस की साइड लेट से ए है, आप वैल्यूज आप रख लेना, और इससे जाने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम एरिया वेक्टर लेंगे, इस प्लेन का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में गया। अब फ्लक्स जब निकालोगे तो फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कोस थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ई का वैल्यू इंटू ए का वैल्यू इंटू कोस थीटा, कोस थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, और दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो कोस जीरो, और कोस जीरो इज वन, तो फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू ए। एरिया निकालते वक्त स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, याद रखना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना, कभी मेरा दिमाग खाओगी ज़रा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप पहला पार्ट सोल्व करेंगे। अब दूसरा पार्ट कैसे करोगे, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है कि इस तरीके से रखा हुआ है कि इस एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है और जो फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो इसका मतलब अब की बार फ्लक्स कैलकुलेट करते हुए कोस थीटा की जगह आपको कितना ले लेना है, कोस 60 ले लेना है, और कोस 60 1/2 होता है, इसका मतलब फ्लक्स पहले वाले केस का आधा हो जाना है। तो ये इस तरीके से आप ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना ही एक्स एक्सिस में. गिवन इन एक्सरसाइज दिस थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. अब की बार साइड 20 सेंटीमीटर है. ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स. एक क्यूब कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल रखा हुआ है ताकि इसके सारे के सारे फेस कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल रहें. इस तरीके से एक क्यूब रखा हुआ है और उस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स अपने को कैलकुलेट करना है. चलो करते हैं कैलकुलेट. तो ये क्यूब है, साइड है 20 सेंटीमीटर और इस तरीके से रखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं इसके फेसेस. इस तरीके से एक क्यूब रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस की तरफ. तो इस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स अपने को बताना है. लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वैल्यूज आप रख लेना. तो अब इस क्यूब में टोटल मिला के कितने फेसेज हैं? टोटल मिला के 6 फेसेज हैं और एक एक से स्टार्ट करते हैं. लेट्स कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस फेस. इस फेस से जाने वाला फ्लक्स, लेट्स से दिस इज 1, तो 5 विल बी इक्वल टू ई इंटू ए. साइड आपको बताया 20 और ये एक स्क्वायर होगा. इस स्क्वायर का एरिया आप बता देना 20 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेना. इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल का कोस. एरिया वेक्टर इस फेस का जाएगा इस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल. आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब फ्लक्स आ जाएगा कोस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बताया गया है अपने को और इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ गया. तो फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू ए. बाहर निकलता हुआ फ्लक्स पॉजिटिव होता है तो ये फ्लक्स आ गया ई इंटू ए. लेट्स से दिस इज फेज 2, तो दूसरे फेज से जाने वाला फ्लक्स ई इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, ई इंटू ए. इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स में ही है. इस एरिया का एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. और कोस 90 इज 0, तो इस वाले फेज से कितना फ्लक्स जाएगा? 0 फ्लक्स जाएगा. और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं. देखो इस तरफ एरोज जा रहे हैं और ये सरफेस ऐसी ही पड़ी है. ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस सरफेस के आर पार नहीं जा रही हैं, ये इसके ऊपर से और नीचे से गुजर जा रही हैं. तो इसके आर पार अगर नहीं जा रही हैं तो कुछ इससे फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए फ्लक्स 90 डिग्री पे ज़ीरो हो जाता है. सिमिलरली इस वाले से कैलकुलेट करना. लेट से ये 3 है और ये भी 0 आएगा. जो बाहर की तरफ वाला है ये वाला फेस, लेट से दिस इज फेस 4. फेस 4 का एरिया वेक्टर जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस की तरफ. फील्ड है इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल दोबारा से 90 डिग्री है. तो दोबारा से 4 से भी फ्लक्स कितना जाएगा? 0. सिमिलरली जो पीछे वाला है 5 से भी फ्लक्स कितना जाएगा? 0. अब बचा ये वाला एरिया. अब इस एरिया से कैसे फ्लक्स निकालोगे? इस एरिया का एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, फील्ड इस तरफ. तो इससे जो फ्लक्स जाएगा दैट विल बी माइनस ई ए. क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच का एंगल यहां हो जाएगा 180 डिग्री, तो जिससे फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव. और टोटल फ्लक्स जब निकालोगे तो फ्लक्स स्केलर है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे. और डायरेक्ट अगर ऐड होंगे तो ई इंटू ए प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये है माइनस ई ए. नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? नेट फ्लक्स आ जाएगा 0. अब इस नेट फ्लक्स 0 का मतलब क्या है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस क्यूब में जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाता है. जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी. तो नेट फ्लक्स आपको कितना मिलना चाहिए? 0 ही मिलना चाहिए. तो ये इस 0 का मतलब है. तो यूनिफॉर्म फील्ड में कमाल की बात यह है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता और ये क्यूब ना होके कैसी भी शेप होती, कैसी भी, बस क्लोज शेप रखो आप और यूनिफॉर्म फील्ड है ही,
तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना फ्लक्स बाहर निकल जाएगा, जितनी विल लाइंस एंटर करेंगी उतनी विल लाइंस बाहर निकल जाएंगी, और नेट फ्लक्स किसी भी शेप के लिए भी कितना आना है, ज़ीरो ही आना है। पर चूंकि इस शेप के लिए कैलकुलेट करना आसान था, इसलिए हमने इस शेप के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करके बता दिया है कि नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा। अब एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप मेरे को करके बताओगे, अदरवाइज फिर मैं सोल्यूशन वीडियो डालूंगा। और ये है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1.11। द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट इन फिगर 2.27 इज ई एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स टू द पावर 1/2। इसका मतलब एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल्फा कोई कॉन्स्टेंट है, एक्स टू द पावर 1/2। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ बदल रहा है, एक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जा रहा है। एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू वन रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा के बराबर आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होके ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई वाई जीरो, वाई में कोई फील्ड नहीं है, और ई जेड जीरो, ई जेड भी जीरो है। इसका मतलब वाई और जेड में फील्ड नहीं है, खाली एक्स में फील्ड है, जहाँ अल्फा का कुछ वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है। अब कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब, एक क्यूब रखा हुआ है ऐसे, और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, और आपको इस क्यूब से जाने वाला फ्लक्स बताना है कि अब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। बस आपको ये वाला पार्ट करना है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल 1.12। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में है और नेगेटिव एक्स में नेगेटिव डायरेक्शन में, विद द सेम मैग्नीट्यूड बट नेगेटिव इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसका मतलब यहां इस तरफ है और यहां इस तरफ है। इट इज गिवन दैट ई का वैल्यू इतना है एक्स ग्रेटर देन जीरो और ई का वैल्यू इतना है एक्स लेस देन जीरो। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, सच दैट and its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to 10, ये x is equal to 10 पे है, and the other face is at x is equal to minus 10, दूसरा फेस यहाँ है। What is the net outward flux through each flat face? इससे कितना flux जाएगा और इससे कितना flux जाएगा, ये आपको calculate करना है। फिर what is the flux through the side of the cylinder? ये जो side है, ये जो curved surface area है, इससे कितना flux जाएगा, एंड वट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, और तीसरा पार्ट आपको ये करना है। तो ये दो प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करनी है, नहीं होंगी तो मैं सोल्यूशन वीडियो डालूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।